नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि, और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। यहां पीएम ने शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए और बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शिवमोगा में पीएम ने हाल ही में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसे करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यहां हर घंटे 300 पैसेंजर्स के ठहरने का इंतजाम किया गया है। ये एयरपोर्ट मलनाड क्षेत्र के शिवमोगा और अन्य पड़ोसी इलाकों की कनेक्टिविटी और पहुंच को बेहतर करेगा। इस एयरपोर्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर को कमल के फूल का आकार दिया गया है। पीएम मोदी ने शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी सुबह करीब 11:45 पर शिवमोगा एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पहले एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और इसके बाद एयरपोर्ट देश को समर्पित कर दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिवमोगा में 2 रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसमें शिवमोगा शिकारीपुरा रानी बेनुरा नई रेलवे लाइन और कोटे गंगुरु रेलवे कोचिंग डिपो शामिल है। शिवमोगा शिकारीपुरा रानी बेनूर रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। ये बेंगलुरु मुंबई मेन लाइन के साथ मलनाड क्षेत्र को एडवांस कनेक्टिविटी देगी। वहीं शिवमोगा शहर में कोटे गंगुरु रेलवे कोचिंग डिपो को 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से डेवलप किया जाएगा, जिससे शिवमोगा से नई ट्रेनों का परिचालन शुरू करने में मदद मिल सके। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। लंबे समय तक जिसकी डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है। इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटका के ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम नजर आता है, और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के जवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की भी 13वीं किश्त जारी की है। कर्नाटक के बेलगावी से 8 करोड़ किसानों के खातों में किश्त ट्रांसफर की जाएगी। किश्त दोपहर 3 बजे जारी हुई। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की 3 किश्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2,000 रुपए की 3 किश्तें दी जाती है, यानी साल में कुल 6,000 रुपए। स्कीम के तहत पहली किश्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किश्त अगस्त नवंबर के बीच और तीसरी किश्त नवंबर मार्च के बीच जारी की जाती है। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी भी किसानों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शुरुआत में जब पीएम किसान योजना शुरू की गई थी, इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए था। इसमें वो किसान शामिल थे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कंबाइंड लैंड हैंडलिंग थी। जून 2019 में स्कीम को रिवाइज किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि कुछ किसानों को अभी भी इस योजना से बाहर रखा गया है। पीएम किसान से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार की सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बलिया में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। 5,320 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेस वे से बलिया से लखनऊ, दिल्ली और बिहार जाना काफी आसान हो जाएगा। 2024 तक ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो सकता है। ये एक्सप्रेस वे 4 लेन बनाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री दोपहर 1:40 पर जौनपुरी पहुंचे। पीयू में बने इंक्यूबेशन सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। करीब 130 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के छपरा, पटना व बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन फील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से भी मिलेगा, लिहाजा इसके चलते लखनऊ व दिल्ली की यात्रा भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा गाजीपुर से बलिया होते हुए माझी घाट जाने की समयावधि में लगभग 2 घंटे की बचत होगी। यही नहीं, बलिया बैरैया क्षेत्र में जल भराव, बाढ़ व मिट्टी के कटान में कमी आएगी, जिससे कृषि उपज बढ़ेगी। गोरखपुर व नेपाल बॉर्डर तक आवागमन आसान हो जाएगा। सिकंदरपुर, हनुमानगंज के गांवों की बलिया से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार लड़ाकू विमान तेजस को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए देश से बाहर भेजा है। इसकी ऑफिशियल जानकारी एयरफोर्स ने दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूएई में डेजर्ट फ्लैग नाम से 27 फरवरी से 17 मार्च तक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। इसमें भारत की तरफ से 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 2 C-17 शामिल होंगे। ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बाहर भेजा जा रहा है। डेजर्ट फ्लैग में यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के एयरफोर्स भी शामिल होंगे। करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 2003 में वाजपेयी ने ही इसे तेजस नाम दिया था। तेजस नाम रखते वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं, उनमें सुखोई SU-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से ही बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग है। इस विमान के 50% मशीनरी भारत में तैयार की गई है। इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है और ये फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलो का है। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंबा रुमाल भेंट किया। ये एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इससे पहले राज्यपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनके साथ मौजूद रही। ये भी एक शिष्टाचार भेंट थी। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पत्नी सावित्री सिंह को हिमाचली टोपी भेंट करके सम्मानित किया। राज्यपाल ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जनदीप धनकर से भी मुलाकात की। राज्यपाल बनने के बाद शिव प्रताप की सभी नेताओं से ये पहली मुलाकात है। राज्यपाल की शपथ लेने के बाद शिव प्रताप ने कहा था कि उन्हें सादा जीवन जीना पसंद है। जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को जानना और उनका निदान करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अधिकांश यात्रा सड़क मार्ग से करेंगे ताकि लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानकर उसे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें। होली का पर्व देश दुनिया में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अब बात होली की हो और ब्रज का नाम ना आए ये संभव नहीं। होली वैसे तो 8 मार्च को है, लेकिन यहाँ इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। होली पर ब्रज में असली रंग बरसाना के लड्डू होली से देखने को मिलता है। ब्रज में लठमार होली की परंपरा बेहद प्राचीन है और बरसाना को इसका केंद्र माना जाता है। बरसाने की लठमार होली के विश्व प्रसिद्ध होने की वजह है इसका परंपरागत स्वरूप। बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं, जहां वो हुरियारिनों द्वारा किए जाने वाले लाठी के वार को अपने साथ लाई ढाल से बचाते हैं।
इसी लठमार होली को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रज पहुंचते हैं। बरसाना की लठमार होली से एक दिन पहले खेली जाती है लड्डू होली। लड्डू होली के पीछे मान्यता है कि द्वापर युग में राधा रानी और उनकी सखियों ने भगवान के साथ होली खेलने का मन बनाया। इसके लिए बकायदा एक दूत न्योता देने भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव भेजा गया। नंदगांव में जब भगवान ने होली खेलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, इसके बाद जब पंडा ने आकर बरसाना में भगवान के होली खेलने का निमंत्रण स्वीकार करने की बात कही, तो ये सुनकर बरसाना वासी खुश हो गए और फेंकने लगे एक दूसरे पर लड्डू और खेलने लगे होली। द्वापर युग में हुई इस परंपरा का निर्वहन आज भी उसी तरह किया जाता है जैसे भगवान के समय में किया जाता था। होली का निमंत्रण देकर जब ये पांडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्री जी मंदिर में पहुंचता है, तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी एकजुट होकर उसका स्वागत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बार फिर वेमेंस T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। 26 फरवरी को हुए फाइनल मुकाबले में इस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया। जीत तय होते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर झूमने लग गई। स्टेडियम में मौजूद ऑस्ट्रेलियन टीम के फैंस भी नाचने गाने लगे। जब मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई तब तो ये जश्न देखने लायक था। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्क्वाड ने मैदान में खूब मस्ती की। अब तक हुए 8 महिला T20 वर्ल्ड कप में से 6 बार ऑस्ट्रेलिया टीम ने ही ये टाइटल जीता है। महिला T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही है। इस टीम को हराना अन्य टीमों के लिए हमेशा से ही मुश्किल काम रहा है। हालांकि भारतीय टीम ने इस बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को अच्छी चुनौती दी थी, लेकिन उसे करीबी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक हुए 8 महिला T20 वर्ल्ड कप में इस साल का वर्ल्ड कप काफी लोगों द्वारा देखा भी गया और पसंद भी किया गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बेथ मूनी ने पहले से आखिरी ओवर तक बैटिंग की और सबसे ज्यादा नाबाद 74 रन बनाए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। टूर्नामेंट में 10 विकेट और 110 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार वुमेन्स T20 कप में खिताबी हैट्रिक लगाई है। टीम ने 2018, 2020 और 2023 में खिताब जीता। इससे पहले टीम ने 2010, 2012 और 2014 में भी खिताबी हैट्रिक जमाई थी। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने भी एक एक बार टूर्नामेंट जीता है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। बाकी आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें।